नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा दसवीं के गणित भाग एक में प्रश्न संग्रह 1.1 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों प्रश्न संग्रह 1.1 को करने के पहले आप लोग इसका बेसिक पार्ट जरूर देखिए। बेसिक पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब तक आप बेसिक पार्ट नहीं देखेंगे तब तक ये थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1.1। अब यहाँ पे क्या दिया गया, पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न कृति पूर्ण करके युगपत समीकरण हल करो। मतलब हमको दो यहाँ पे समीकरण दिया गया है, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो, इसको हमको हल करना है। तो यहाँ पे देखो समीकरण एक में क्या दिया गया, 5x + 3y = 9 समीकरण नंबर एक, और 2x - 3y = 12 समीकरण नंबर दो। तो अब यहाँ पे देखोगे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सेम नंबर अपोजिट साइन। अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। इस तरीके से हम ये एक फॉर्मूला के रूप में है, इसको मैंने पहले भी बेसिक पार्ट में बताया। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको क्या करते हैं, जोड़ने पर। और अगर सेम नंबर सेम साइन रहेगा, अगर सेम नंबर सेम साइन है, सेम साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो आप लोग इसको याद रखना, क्या याद रखोगे, सेम नंबर अपोजिट साइन में जोड़ेंगे, सेम नंबर सेम साइन में घटाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो सेम नंबर है, यहाँ पे सेम नंबर है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है। तो समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर देखो, एक और दो को जोड़ दिया गया, सेम नंबर अपोजिट साइन। तो यहाँ पे जब जोड़ोगे तो ये 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा। पांच और दो कितना होता है, 7, और यहाँ पे x लिखा हुआ है तो 7x हो गया, और 12 9 21। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7x = 21। तो 7x = 21, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21/7। तो ये हो जाएगा 21/7। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितने टाइम में कैंसिल होगा, 3 टाइम में, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x = 3 समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक हमारा क्या है, 5x + 3y = 9। ये है समीकरण नंबर एक, यहाँ पे से देख सकते हो। तो देखो 5x की जगह पे क्या रखना है, 3। तो यहाँ पे x की जगह पे हमने 3 रख दिया, तो 5 × 3 + 3y सेम दिया गया है, बराबर 9। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर फिल करते हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 + 3y = 9। 5 × 3 = 15 + 3y = 9। तो ये हो जाएगा 3y इधर लिख लो, और ये +15 है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 - 15, तो ये हो जाएगा 3y = -6। तो ये हो जाएगा वाई की वैल्यू हो जाएगी -6/3। ये इससे कट गया, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी -2। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये दो स्टेप हमको ज्यादा बढ़ा करके लिखना है क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो 3y = 9 - 9 - हमने क्या किया, 15। तो यहाँ पे 15 फील कर लो। उसके बाद में 3y = देखो 9 में से 15 गया -6, मतलब ये वाला स्टेप आ जाएगा, ये वाला स्टेप आ जाएगा। फिर y = -6/3, ये इससे कैंसिल होगा तो 2, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -2। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि हमको इसी तरीके से करना रहेगा। अगर आप लोग को इसमें नहीं समझ में आता है तो आप लोग पहले जो ये फॉर्मेट है, जो हमारा पुराना पद्धति है, उसी पद्धति से करके उसके बाद में इसको फिल करो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, और y की वैल्यू कितनी आई, -2। तो इसी तरीके से करना, देखो x y 3 - 2 समीकरण का हल है, इस तरीके से करना था। तो सबसे पहले हमको क्या देखना रहेगा कि सेम नंबर अपोजिट साइन होनी चाहिए। जब सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगी तो क्या करोगे, जोड़ोगे। जोड़ने के बाद में तो यहाँ पे देखो कि 3y से 3y कैंसिल हो गया, और यह हो जाएगा 5x + 2x, 7x = 9 / 21। तो यहाँ पे 7 से गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भाग होगा तो यहाँ पे आएगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब यही x की वैल्यू जो 3 है वो समीकरण नंबर एक में भी रखोगे तो भी चलेगा, दो में भी रखोगे तो भी चलेगा, हमारा आंसर आना ही आना है। तो यहाँ पे 5x + 3y = 9,
तो यह जगह 5 3 15 इस तरीके से सॉल्व कर लो और इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। तो y की वैल्यू आ गई -2, बस इतना ही करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रश्न 2 में क्या दिया गया, निम्न युगपत समीकरणों को हल करो। यहाँ पे भी युगपत समीकरण देखो, 2 समीकरण दिया गया। पहला दिया गया 3a + 5b = 26 और दूसरा दिया गया a + 5b = 22। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले लिखते हैं 3a + 5b = 26 समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या दिया गया है, a + 5b = 22, ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो याद करो अभी मैंने क्या बोला था कि हमको इसमें क्या चाहिए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सेम नंबर अपोजिट साइन चाहिए। तो देखो सेम नंबर तो है लेकिन अपोजिट साइन नहीं है, तो ये जो अपोजिट साइन नहीं रहेगा, सेम नंबर सेम साइन रहेगा, तो मैंने क्या बताया, घटाएंगे इसको। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, इस तरीके से करना पड़ेगा। सेम नंबर सेम साइन घटाएंगे, सेम नंबर अपोजिट साइन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो जो समीकरण 1 क्या है, 3a + 5b = 26, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 क्या है, a + 5b = 22, समीकरण नंबर 2। अब देखो जब भी हम इसको इस तरीके से अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर होता क्या है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पे देखो प्लस ए है तो माइनस हो गया, अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अगर अब हम लोग ध्यान देते हैं तो इसमें देखो जो पुराना साइन है, जो पुराना चिन्ह है, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम क्या कंसिडर करेंगे, जो ये मैंने ब्लैक कलर का जो नया साइन हमने बनाया वो कंसिडर करेंगे। तो +5b - 5b ये हो गया कैंसल। अब यहाँ पे देखो 3a में से 1a गया तो ये क्या हो जाएगा, 2a बराबर 26 में से 22 गया तो क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या आ जाएगा, 2a = 4, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू हो जाएगी 4/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये आई हमारी a की वैल्यू। अब क्या करोगे, a की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, वो आपकी इच्छा। मैं यहाँ पे अब समीकरण नंबर 2 में रखता हूं। तो यहाँ पे लिखोगे a = कितना आया है, 2। a = 2, समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 2 क्या दिया गया है, a + 5b = 22। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या रखो, 2 + 5b दिया गया है बराबर 22। तो ये हो जाएगा देखो +2 हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा 22 - 2, तो 22 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 5b। तो ये क्या बनेगा, b = 20/5। तो ये यहाँ से कैंसल, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आई हमारी b की वैल्यू। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखोगे किसका वैल्यू पूछा है, ab का, ab = 2 4 समीकरण का हल है, इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सेम नंबर अपोजिट साइन देखना है। सेम नंबर अपोजिट साइन नहीं रहेगा तो सेम नंबर सेम साइन है, जब सेम नंबर सेम साइन है तो वो क्या कर देंगे, घटाने पर। तब यहाँ पे जब हम घटा देंगे तो एक तो कैंसल होना ही होना है, तो एक कैंसल हो जाएगा तो 3a - 2a और 26 - 22 ये हो जाएगा 4। तो a की वैल्यू आ गई। अब वही a की वैल्यू हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते, तब उस तरीके से b की भी वैल्यू आ जाएगी। अब हम अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, देखो x + 7y = 10 और 3x - 2y = 7। इसको ऐसे लिख लो, तो ये हो जाएगा x + 7y = 10 समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या है, 3x
माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे अपोजिट साइन तो है लेकिन सेम नंबर नहीं है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको हमको सेम बनाना रहेगा तो 7 में 2 का गुणा कर दो और 2 में 7 का गुणा कर दो, तो इसमें दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, दोनों समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते, देखो यहाँ पे भी है, ये क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है, तो इसमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 3। देखो यहाँ पे समीकरण 1 ये है, इसमें अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 में x का गुणा किया तो 3x प्लस 7 में 3 का गुणा किया तो 21y और 10 में 3 का गुणा किया तो 30, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 बनेगा। देखो क्योंकि 1 और 2 पहले से है, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और समीकरण 2 वैसे ही लिख लो, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 7, ये बना हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो यहाँ पे सेम नंबर तो हमने ला दिया, अब यहाँ पे अपोजिट साइन लाना है, तो यहाँ पे देखोगे तो सेम नंबर और सेम साइन है, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, यहाँ पे लिखोगे फिर से समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, इसको घटाओगे तभी तो साइन चेंज होगी, चिन्ह चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 21y बराबर 30, समीकरण नंबर 3। उसके बाद में 3x माइनस 2y बराबर 7, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है हमको, घटाना है, तो यहाँ पे लिखोगे घटाने पर, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस 3x है, माइनस ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो अब देखोगे 1 प्लस 1 माइनस कैंसल हो गया, अब 21, और ये देखो पुराना वाला साइन नहीं लेना, नया वाला लेना है, 21 प्लस 2 23y, और यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 7, ये भी हो जाएगा 23। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं 23y बराबर 23, तो यहाँ पे देखोगे तो वाई से गुणा हो रहा है तो इससे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग होगा, तो ये 23/23, तो ये कैंसिल होकर के वाई की वैल्यू आ गई 1, ये आया वाई की वैल्यू 1। अब क्या करते हैं, वाई की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, हमारे पास 3 समीकरण आ गई है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, वाई की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, वाई बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 7y बराबर 10, ये क्या है समीकरण नंबर 1, तो y की वैल्यू क्या रखना है, 1 प्लस 7 गुणे 1 बराबर 10, ऐसे ही बनेगा, देखो x का x रखा प्लस 7 का 7 रखा गुणे y की वैल्यू 1 रखा और यहाँ पे 10, ये हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 10, ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 7 बनेगा, देखो प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर 3, ये आया हमारा उत्तर, x बराबर 3 और y बराबर 1। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर में लिख लेते हैं, उत्तर में क्या लिखोगे, किसका वैल्यू निकालना है, x y का बराबर क्या है, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू 1, समीकरण का हल है, इस तरीके से करना था। तो सबसे पहले देखो क्या देखना है हमको, सेम नंबर अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन है लेकिन इसको सेम नंबर करने में दिक्कत आ रही थी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेम नंबर कर देते हैं, तो इसको सेम नंबर करने के लिए हमने क्या किया, 3 से गुणा कर दिया, जब यहाँ पे 3 से गुणा किया तो ये देखो
समीकरण एक में तीन से गुणा करने पर तो 3x+21y=30 समीकरण नंबर 3 बना, और ये 3x-2y=7 समीकरण नंबर 2 बना। तो समीकरण टी में से 2 को घटा दोगे क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर है बट अपोजिट साइन नहीं है। अपोजिट साइन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटाएंगे। घटाने पे उसका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ये कैंसल हो गया। तो 21 और 2 23y और 30 में से 7 गया तो 23। तो अभी यहाँ पे 23y=23, तो इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू 1 चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, सब में आपका आंसर आने वाला है। सो दोस्तों अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 2x-3y=9 और 2x+y=13। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 2x-3y=9 समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे 2x+y=13 ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पे देखोगे समीकरण नंबर 1 में जो दिया गया है -3y है और यहाँ पे +y है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 से गुणा क्यों किया, देखो अपोजिट साइन तो है ना, लेकिन सेम नंबर नहीं है, तो सेम नंबर के लिए यहाँ से 3 से गुणा कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x-3y=9 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, क्योंकि 2 में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 6x+3y + 13 = 39 आ जाएगा समीकरण नंबर, ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम नंबर अपोजिट साइन आ गया, हम लोग क्या करेंगे जोड़ने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 में 3 जोड़ने पर, तो ये फिर से लिखो 2x-3y=9 समीकरण नंबर 1। उसके बाद समीकरण नंबर 3 क्या है, 6x+3y=39 समीकरण नंबर ये कितना है, 3। अब इसको कर लो, देखो यहाँ पे 1 + 1 - कैंसल हो गया, 6, 2, 8x, 39 और 9 48 होगा, तो ये हो जाएगा 8x=48। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 8x=48, यहाँ पे बनेगा 8x=48। तो 8 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये 8 से भाग दे दिया, 8 से भाग दिया तो 8 × 48, x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 2 में रखते हैं, x = 6 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x+y=13, ये हो जाएगा x के जगह पे 6 रखना है ना, 2 × 6 + y = 13, 6 × 12 + y = 13। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस हो रहा है तो सड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 13 - 12, ये हो जाएगा y की वैल्यू 1, ये आ गई y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x y की ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x, y = x की वैल्यू कितनी है, ये 6 और y की वैल्यू आई 1, ये जो है समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, समीकरण नंबर 1 और 2 में क्या चाहिए, सेम नंबर अपोजिट साइन चाहिए, अपोजिट साइन तो है लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेम नंबर नहीं है। सेम नंबर लाने के लिए हमने यहाँ पे सेम नंबर और अपोजिट साइन तो ला दिया, अब इसको जोड़ेंगे तो 6, 2, 8x और 9 + 39 = 48 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 6, और x = 6 समीकरण नंबर 2 में रखने पर
यहाँ पे ये y की वैल्यू आ जाएगी 1। बस इसी तरीके से करना है, कितना इजी सवाल है। अब हम लोग अगला करते हैं, चौथे में हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, m और n की वैल्यू निकालनी है। समीकरण नंबर एक क्या बनेगा, 5m-3n = 19, ये बना समीकरण नंबर एक। उसके बाद m-6n = -7, ये समीकरण नंबर दो। सेम नंबर भी नहीं है और अपोजिट साइन भी नहीं है, तो सेम नंबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक स्टेप करते हैं, तो इसमें क्या करो, दो से गुणा कर दो। समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, तो देखो समीकरण एक में पहले दो से गुणा कर दो, तो 5m में दो से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10m माइनस 3 दुनी 6n और 19 दुना 38, ये हो गया समीकरण नंबर तीन। अभी देखो समीकरण नंबर दो यहाँ पे लिखो तब पता चलेगा, समीकरण नंबर दो वैसे का वैसे ही लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर दो। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो सेम नंबर तो आ गया लेकिन अपोजिट साइन नहीं है, तो याद करो सेम नंबर सेम साइन के लिए क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण तीन में से दो घटाने पर, समीकरण तीन में दो घटाओगे तो क्या हो जाएगा, तीन वैसे लिख लो 10m-6n = 38, ये आ गया समीकरण नंबर तीन। और दो क्या है, m-6n = -7, समीकरण नंबर दो। यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं हमको क्या करना है, घटाने पर ना, तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर। देखो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे अब आगे सेम नंबर और अपोजिट साइन, कभी भी याद रखना, चाहे जोड़ना है चाहे घटाना है, हमको सेम नंबर अपोजिट साइन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे 10m में से m माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, 9m और 38 और प्लस 7, 38 7 45, ये आया हमारा 9m = 45, सो दैट 9m = 45। अब इसको हल करना है तो ये जाएगा 9m = 45, यहाँ पे हो जाएगा m = 45/9, इसी तरीके से आएगा m की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ये आ गया m = 5। अब m की जो वैल्यू है वो हमको किस में रखना है, समीकरण एक में रखो, दो में रखो, m = 5, समीकरण मैं किस में रखता हूँ, मैं रखता हूँ दो में, समीकरण दो में रखने पर, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर दो क्या है, m-6n = -7, ये आया समीकरण नंबर दो। तो m की वैल्यू क्या रखना है, 5-6n = -7। यहाँ पे देखोगे ये -6n वैसे ही लिख दो और यहाँ पे देखोगे +5 है तो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, -5 -7 -5, -7 -5 कितना होता है, -12, तो ये हो जाएगा -6n = -12, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12/-6, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 × 12, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 2, यही आएगा हमारा उत्तर। तो यहाँ पे लिखो उत्तर में, उत्तर में क्या लिखोगे, किसकी वैल्यू निकाले हम, m, तो m की वैल्यू कितनी है, 5 और m की वैल्यू है 2, ये जो है समीकरण का हल है, हल है। इसी तरीके से करना था, तो आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि कितना इजी सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है, सबसे पहले सेम नंबर अपोजिट साइन देखना है, सेम नंबर सेम साइन देखना है, उसके हिसाब से जोड़ना घटाना है। सेम नंबर अपोजिट साइन रहेगा तो जोड़ेंगे,
सेम नंबर सेम साइन रहेगा तो घटाएंगे, उसमें यम की वैल्यू आ जाएगी, कोई भी एक चरांक की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जिस चरांक की वैल्यू आई रहेगी वह समीकरण एक दो तीन में किसी में भी रखोगे तो दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। दोस्तों आज हम अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रश्न संग्रह 1.1 हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।